लिनोवो लॉक सीरीज का i5 13 Gen यूज करते हुए मुझे अप्रोक्स 3 मंथ्स बीत चुके हैं और इन 3 महीनों के बीच मेरा बैटरी बैकअप कैसा रहा है, क्या इसमें मुझे बैटरी ड्रेन इशू देखने को मिला है या नहीं। सो डेली लाइफ में इसमें बैटरी बैकअप कैसा है और इसका चार्जिंग टाइम कैसा है, कितना टाइम लगता है इसको चार्ज होने में, सब कुछ हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। सो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। सो इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट करने के लिए मैंने रेगुलर लाइफ में जो चीज़ें यूज होती हैं मैंने वो सारे टास्क किए हैं और मैंने इसका बैटरी बैकअप कितना निकल सकता है ये चीज़ फिगर आउट किया है। सो जैसे कि इसमें मैंने वीडियो प्लेबैक किया है और आधे घंटे अप्रॉक्स मैंने इसमें एमएस ऑफिस पे काम किया है और इसमें मैंने आधे घंटे का अप्रॉक्स गूगल मीट पे मीटिंग की है और साथ में मैंने इसमें वीडियो एडिटिंग करके भी देखा है। सो हम लोग आगे देखते हैं इसका बैटरी बैकअप कैसा होने वाला है। अभी आप लोग देख सकते हैं 16:19 हो रहा है, मतलब 4:19 हो रहा है और मेरा बैटरी परसेंटेज है 99%। मैंने अपने ब्राइटनेस और ऑडियो को 50% पे रख दिया है और मेरा थर्मल मोड, इस लैपटॉप का थर्मल मोड मेरा बैलेंस मोड पे मैंने सेट किया हुआ है। तो इन सारे सेटिंग्स को करने के बाद देखते हैं इसका बैटरी बैकअप कैसे निकल के आता है। तो सबसे पहले हम लोग 1 घंटे का वीडियो प्लेबैक टेस्ट करेंगे। तो वीडियो को चलते हुए अप्रॉक्स 25 मिनट्स हो चुके हैं। 28 मिनट के बाद इसका बैटरी परसेंटेज 88% हो जाता है। टोटल बैटरी जो ड्रेन होता है वो 11% देखने को मिलता है। सो 40 मिनट्स के बाद इसका बैटरी परसेंटेज 83% रह जाता है। तो टोटल 63 मिनट्स के बाद 1 घंटे वीडियो को कंप्लीट के बाद इसका बैटरी परसेंटेज हम लोग को 74% देखने को मिलता है और इसका टोटल बैटरी ड्रेन होता है 25%। सो 1 घंटे में 25% इज ओके गाइस। सो इस लैपटॉप में वीडियो प्लेबैक में बैटरी ड्रेन काफ़ी कम देखने को मिलता है। अब हम लोग एमएस ऑफिस में कुछ काम करेंगे। जैसे कि मैं तीनों एमएस ऑफिस को ओपन कर लेता हूँ, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल को, और इसमें कुछ कुछ काम मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे कि एक्सेल में कुछ मैं एक्सेल सीट ओपन कर देता हूँ और वर्ड के अंदर मैं कुछ 3D एनिमेशन ऐड कर देता हूँ जिससे मेरा बैटरी ड्रेन होता रहे और साथ में बैकग्राउंड में मैं कुछ डाउनलोडिंग पे बैठा दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने डाउनलोड में बैठा हुआ है, सो बैकग्राउंड में ये डाउनलोडिंग ही होता रहे और साथ में मेरा ये चीज़ भी पता लग जाए कि डाउनलोडिंग के साथ भी बैटरी ड्रेन कितना हो रहा है। सो अभी समय हो रहा है 6:03 और बैटरी परसेंटेज आप लोग को 58% देखने को मिल रहा है। सो टोटल 104 मिनट बीत चुके हैं और बैटरी ड्रेन अभी तक 41% हुआ है। सो अभी तक बैटरी बैकअप इसमें काफ़ी सही देखने को मिला है। सो अब हम लोग करेंगे कुछ मीट कॉल, देखते हैं मीट कॉल में मेरा कितना बैटरी ड्रेन होता है, कितना हम लोग को बैकअप देखने को मिलता है। सो अप्रॉक्स मैंने आधे घंटे का इसमें गूगल मीट कॉल किया और साथ में वीडियो कॉल इनेबल करके, टाइम हो रहा है 6:39 और बैटरी परसेंटेज है 36%। टोटल 140 मिनट बीत चुके हैं, बैटरी ड्रेन हुआ है 63%। सो वीडियो कॉल में भी मेरा अच्छा खासा बैकअप देखने को मिलता है। सो गाइज अब हम लोग कुछ वीडियो एडिटिंग करेंगे, वो भी डेविंची रिजॉल्व में। डेविंची रिजॉल्व गाइज काफ़ी ज़्यादा हेवी एप्लीकेशन है और इसमें काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग डेविंची रिजॉल्व से। सो जैसे कि मैंने इसमें कुछ एडिटिंग करने को बैठा दिया है और मैं कुछ कुछ एडिट करके साथ में इसमें रेंडरिंग कर रहा हूँ। तो गाइज एडिटिंग करते हुए मुझे 7:18 हो चुके हैं और बैटरी परसेंटेज है 10% और टोटल अभी 179 मिनट्स तक हमारा बैटरी ड्रेन हो चुका है और टोटल बैटरी परसेंटेज ड्रेन हुआ है 89%। सो काफ़ी सही बैकअप देखने को मिल रहा है। तो गाइज इस 10 मिनट जब तक बचा है मैं इसमें वीडियो को रेंडर करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कितने परसेंट तक इसमें रेंडर हो पाती है। सो गाइज मैं रेंडर में इसमें बैठा चुका हूँ और देखता हूँ उसमें कितना टाइम लगता है। तो क्या इसके पहले ही शट डाउन हो जाएगी, और ये लैपटॉप हमारा शट डाउन हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है 7:26। टोटल बैकअप हम लोग को मिला है 177 मिनट्स का, मतलब अप्रॉक्स 3 घंटे का हम लोग को बैकअप मिल चुका है इस लैपटॉप से। सो इसमें गाइज मैंने कुछ हेवी टास्क भी किए हैं, मैंने वीडियो एडिटिंग किया। अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग नहीं करते आप लोग को 3 घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलता। अब हम लोग इसमें चार्जिंग टेस्ट करेंगे कि चार्जिंग कितनी जल्दी हो जाता है। आप लोग गाइस बिलीव नहीं करेंगे, चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही थी। स्टार्ट करते हैं चार्जिंग से। अभी टाइम हो रहे हैं 7:28, 2 मिनट बीत चुके हैं चार्जिंग करते हुए और बैटरी चार्ज अभी तक 2% का हुआ है। सो देखते हैं आगे हम लोग को और कितना चार्जिंग फास्ट देखने को मिलता है।
सो बैटरी को चार्ज होते हुए 20 मिनट्स बीत चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 7:48 और टोटल हमारा बैटरी चार्ज हुआ है 25%। तो 20 मिनट में 25% काफ़ी सही टाइमिंग है। तो अभी टाइम हो रहा है गाइस 8:12 और टोटल टाइम हमारा बीत चुका है 44 मिनट्स, बैटरी चार्ज हुआ है 54%। और गाइस इसमें हम लोग को रैपिड चार्ज का भी ऑप्शन मिलता है जो कि मैंने अभी इसमें इनेबल नहीं किया है। सो इसमें ही हम लोग को काफ़ी अच्छा चार्जिंग स्पीड देखने को मिल रहा है। सो अभी टाइम हो रहा है 8:33 और हमारा टोटल ड्यूरेशन हो चुका है 61 मिनट्स का और बैटरी चार्ज हुआ है 80%। 61 मिनट्स में अप्रॉक्स 1 घंटे में हमारा 80% चार्ज हो जा रहा है। अभी हमारा टाइम हो रहा है 9:01 और टोटल टाइम बीत चुका है 89 मिनट्स का और बैटरी चार्ज हुआ है 98%। सो 80 to 100 जो होने का टाइमिंग है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है गाइस। अभी टाइम हो रहा है 9:10 और अभी हमारा टोटल चार्ज हो चुका है 100%। सो टोटल 98 मिनट्स में हमारा 100% चार्ज हो जा रहा है। असली बैटरी ड्रेन टेस्ट तब तो होगा जब हम लोग चार्ज में ला के गेमिंग करें और इसका बैटरी ड्रेन हो रहा है या नहीं ये टेस्ट हो। सो इस लैपटॉप का मैं गेमिंग टेस्ट लाने वाला हूँ, चार्जिंग में लगा के हार्डकोर गेमिंग करेंगे और साथ में देखेंगे हमारा बैटरी कैसा बैकअप दे रहा है, क्या सच्ची में ड्रेन हो रहा है या नहीं। सो ये तो हमारा नॉर्मल बैटरी बैकअप टेस्ट था जहाँ पे मैंने नॉर्मल बैटरी का बैकअप दिखाया और हमारा चार्जिंग स्पीड दिखाया। सो गाइस ये वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।